Hello students, welcome to CoreAcademy. Today we are going to start next lecture on quadratic equation. अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि quadratic equation होती क्या है. उसके बाद हमने पढ़ा कि quadratic equation का मतलब एक पहेली जिसमें हमें x की वैल्यू ढूंढनी होती है या गिवन वेरिएबल की वैल्यू ढूंढनी होती है. अच्छी बात है. तो गिवन वेरिएबल की वैल्यूज अक्सर दो हुआ करती है, मैक्सिमम दो हुआ करती है. तो डिग्री टू इक्वेशन के सॉल्यूशंस दो, सॉल्यूशन मतलब रूट्स. डिग्री थ्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल अगर है तो उसके थ्री मैक्सिमम रूट्स होंगे, सॉल्यूशंस होंगे. तो उन रूट्स को ढूंढने के हमने अब तक दो तरीके देखे हैं. पहला फैक्टराइजेशन देखा, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर देखा. कंप्लीटिंग द स्क्वायर में आपको दिक्कत अगर आई है बच्चों तो आपको पूछना चाहिए. मैंने आपको बताया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होता है. उसके बाद में We will discuss the next method, another method of solving, quadratic equation, that is Sridharacharya formula. अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, छोटी सी कहानी है, कहानी नहीं है, इंसिडेंट बोलो. धराचार्य नाम के जो मुनि या ऋषि हुए थे, उन्होंने क्या किया कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उन्होंने कहा दुनिया की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस, दुनिया की कोई भी क्वाड्रेटिक पहेली के रूट्स या सॉल्यूशन एक फॉर्मूले के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं. और वो फॉर्मूला है, यहां पर जो एक्स होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन. अब सबसे पहले उन्होंने जब एक फॉर्मूला दिया तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया या नहीं किया. तो उन लोगों ने एक्सेप्ट अगर किया होगा तो जो बुद्धिजीवी लोग थे, इंटेलेक्चुअल लोग थे मैथमेटिक्स के फील्ड में, उन लोगों ने कैसे चेक किया? उन लोगों ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो. इसके रूट्स होंगे बच्चों एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, रूट्स होंगे माइनस वन और फाइव. अब फॉर्मूला लगाते हैं. फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस बी, बी है यहां पर एक्स का कोएफिशिएंट, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर 16, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. फोर ए है वन, मींस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी द कांस्टेंट टर्म माइनस फाइव अपॉन टू ए, टू इंटू ए यानी वन. तो एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस फोर प्लस माइनस 16 plus 20 that is 36 upon 2, x is equal to 4 plus minus 6 by 2. So on taking this, I get 4 plus 6 10 by 2 5, 4 minus 6 minus 2 by 2 minus 1. तो minus 1 और 5. तो लोगों ने इसको accept किया. तो धराचार्य ने ये formula ढूंढा तो कैसे ढूंढा? तो ये जो formula ढूंढा ये completing the square के through ढूंढा. आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर में सिखाया गया था कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को वन करो. तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो. व्हाट डिड आई डू? डिवाइडेड बाय, यानी आई डिवाइडेड दिस इक्वेशन बाय ए, मींस द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. नाउ दिस विल वर्क लाइक ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, मींस x square plus 2xy means p square plus 2pq. तो ये तो हो गया x का स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया. 2a b की जगह क्या रखना है? b by a का आधा. b की जगह क्या रखना है, मतलब मैं ये वाली d की बात नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूं कि ये जो बनेगा ये बनेगा p square plus, तो p square plus 2pq, 2pq x का जो कोएफिशिएंट होता है उसका आधा लेते हैं. आधा मतलब कोएफिशिएंट को इनटू 1 by 2 कर दो. तो b by a का आधा, यहां पर अगर माइनस b by a होता तो यहां माइनस लगाते और यहां पर b by a का आधा लेते. फिर देखो कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा x b by a p square plus 2pq. तो यहां पर q का स्क्वायर होना जरूरी है, ये कर दिया. लेकिन यहां तक तो ये बैलेंस हो गया, ये एक अलग ही चीज आ गई. तो b by 2a का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब अगर इसको काटो तो ये जो चीज है और ये जो चीज है मैचिंग है. अभी c by a को भी लिखना बाकी है. तो उन्होंने इक्वेशन को इस तरीके से लिखा. उसके बाद में
ये जो चीज बनेगी क्या बनेगी, ये बनेगी x प्लस यानी p प्लस q का होल स्क्वायर, और ये बाकी को इधर शिफ्ट कर दिया तो b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर इधर आया, माइनस c बाय ab इधर आया। नाउ x प्लस b बाय 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम क्या लू 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर ले लिया मैंने एलसीएम। अब आगे जब आप सॉल्व करोगे तो 4a स्क्वायर बन गया 4a स्क्वायर यानी b स्क्वायर, 4a स्क्वायर व्हेन डिवाइडेड बाय a आई गेट 4a, सो इट इज 4ac। तब ये क्या बन गया, अब ये बन गया x प्लस b बाय 2a स्क्वायर रूट ले लिया प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नाउ x इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट किया बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग x, तो क्या हो गया माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, टू ए इज एलसीएम प्लस माइनस क्यों लगा स्क्वायर रूट। अगर एक्स स्क्वायर 25 होता है तो x की वैल्यू प्लस माइनस 5 होगी, प्लस 5 का स्क्वायर भी 25, यानी किसका स्क्वायर 25 है, तो स्क्वायर अगर ये है तो इसका स्क्वायर रूट प्लस में और इसका स्क्वायर रूट माइनस में लिया था, 2a एलसीएम लिया तो क्या आया माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो दिस इज द फॉर्मूला डिराइव्ड बाय श्रीधराचार्य, फॉर्मूला डिराइव्ड बाय श्रीधराचार्य। सो दिस इज श्रीधराचार्य's फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यू मे कॉल इट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जिन लोगों ने बुक लिखी होगी आजादी के पहले आजादी के बाद, उन लोगों को श्रीधराचार्य नाम पसंद नहीं आया, क्योंकि हम तो भूखे नंगे ना बच्चों, हम लोगों के पास तो कुछ था ही नहीं, सारा जो भी था वो अंग्रेजों के पास था या यूरोपियन कंट्रीज के पास था, तो उन लोगों ने क्या किया, ये श्रीधराचार्य नाम पसंद नहीं आया तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नाम दे दिया। बट आई वुड रिकमेंड कि आपको श्रीधराचार्य नाम से ही याद रखना चाहिए, बुक में मेंशन भी है। अब धीरे धीरे बुक्स चेंज हो रही है, हमारे इंडियन मैथमेटिशियंस इंडियन एंशंट जो ग्रेट मैन है ग्रेट विमेन है उनको अब शामिल किया जा रहा है, अब अकबर महान नहीं पढ़ाया जाएगा, अब शिवाजी महान पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो अब बाबर को नहीं पढ़ाया जा रहा है जिसने मैसाकर किया था, लाखों लोगों को जिसने मारा था, इन्वेडर्स का नाम अब धीरे धीरे ऐसे बताया जाएगा कि देवर इन्वेडर्स, उन्होंने लूट मचाई, उन लोगों ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, अब हम धीरे धीरे इन चीजों को समझ रहे हैं। तो अब हम अकबर महान की जगह महाराणा प्रताप पढ़ेंगे, शिवाजी महान पढ़ेंगे, ठीक है। अब औरंगजेब जैसे लुटेरे की जगह या मैसाकर करने वाले की जगह अब हम शिवाजी ने उसको कैसे खत्म किया ये पढ़ेंगे। तो मैं यहां हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं बच्चों, बस मैं इतना सा बता रहा हूं कि इट इज द ग्लोरी ऑफ आवर मैथमेटिशियंस। अब वो आप बोलोगे इसे तो बहुत सिंपल सी ग्लोरी है, तो यहां पर मैं डिस्कशन को आगे नहीं बढ़ा रहा हूं। मैथमेटिक्स में हम लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन है यानी इंडियन का, यहां पर मैं रिलीजियस होकर या रिलीजन पर बात नहीं कर रहा हूं बच्चों, इंडियन कोई भी हो मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो लेट्स ड्रॉप इट। और ये फॉर्मूला आपको याद करना है तो वीडियो पॉज करके आप इसको याद करें, और याद करने के बाद में अभी हम कुछ प्रॉब्लम्स इस पर बेस्ड करेंगे। ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से वी कैन सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एनी मींस एनी, सो आई माइंड इट एनी मींस एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय धराचार्य फॉर्मूला। तो आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, याद नहीं हुआ है तो इसको तीन चार बार वीडियो को पॉज करके तीन चार बार नोटबुक में लिख लेना, आपको याद हो जाएगा। क्या है ये फॉर्मूला कि जब कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो तो उसको ऐसे लिख दो, फिर उसके बाद में इस पहली में छिपा हुआ जो वेरिएबल एक्स है वो एक्स होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी अपॉन टू है, ये मेरा रटा हुआ है, आपका भी रटा हुआ होना चाहिए। तो मैं आपको वापस से याद करा दूं, दुनिया की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो इसके सॉल्यूशंस होंगे माइनस बी, माइनस बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को जो भी होगा उसको माइनस के साथ लिखना है, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। मुझे याद है इसलिए मुझे समझाने में दिक्कत नहीं आ रही है, आपको याद नहीं है इसलिए आपको याद करने में दिक्कत आएगी, लेकिन चार पांच बार लिखोगे तो वो दिक्कत भी दूर हो जाएगी। तो अब हम धराचार्य फॉर्मूला यूज करके कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं।
As I said that I can solve any quadratic equation using Dharacharya, so I mean it. Solve. आपको जो मन करे वो इक्वेशन लिख दू, जो मन करे, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा 2x square plus 3x minus 5 equal to 0. अब a क्या है 2, b क्या है 3, c क्या है minus 5. बार बार ऐसे नहीं लिखना है स्टार्टिंग के क्वेश्चन से, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूं। फिर यूजिंग धराचार्य फॉर्मूला, यूजिंग धराचार्य फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी रूट ओवर प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी माइनस 5 अपॉन 2a, 2a मतलब 4, 2 टू 4, x इज इक्वल टू, इक्वल टू यहां लगाएंगे, कई बच्चे ऐसे लिखते हैं वो गलत है, x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस रूट ओवर दिस इज 49 अपॉन 4, x is equal to, this statement shows us, this shows minus 3 plus minus 7 by 4, so x is equal to minus 3 plus 7 by 4, या फिर minus 3 minus 7 by 4, so it is 7 minus 3, 4 by 4 that is 1, or minus 10 by 4 means minus 5 by 2. चलिए तो आसान क्वेश्चन आपने ले लिया, दूसरा ले लो, solve. 3x square plus x minus 2 is equal to 0. Here plus 2 is equal to 0. यहां पर अब मुझे इसको minus 1 कर दो. 3x square plus x minus 1 is equal to 0. इस पहली में x की कौन सी वैल्यू इसको satisfy करेगी? The using धराचार्य फॉर्मूला x is equal to minus b plus minus root over b square minus 4ac upon 2a. Minus b, तो सॉल्व करने से पहले मेक श्योर कि ए क्या है 3, बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी 1, और सी क्या है माइनस 1. अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, बी 1 था लेकिन माइनस बी लिखना है तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 ए यानी 3 सी यानी माइनस 1 अपॉन 2 ए, so x is equal to minus 1 plus minus root over 13 divided by 2. देखो अब की बार root जो है, एक तो ये आया taking plus, एक आया minus 1 minus root 13 by 2. किस type के root से, देखो ये भी irrational है और ये भी irrational है, ठीक है। अब ये factorization से आप अगर करते तो आपको दिक्कत आती, लेकिन completing the square के through करते तब भी ये solution आ जाता। तो बेसिकली कंप्लीटिंग द स्क्वायर का दूसरा नाम ही श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, या श्रीधराचार्य फॉर्मूला कंप्लीटिंग द स्क्वायर के थ्रू ही आया था। और कोई भी इक्वेशन सॉल्व, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, या माइनस कर दो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हैं। तो a क्या है 3, b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x यानी माइनस 5, C क्या है 7, तो x क्या हो जाएगा। अब आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करना और उसके बाद में चेक करना, ठीक है, आपसे हो जाएगा। ओके, तो प्ले किया आपने वीडियो, माइनस b यानी माइनस ऑफ माइनस 5 प्लस माइनस बहुत आराम से, b स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 4 a c अपॉन 2 a, 2 इंटू 3, 5 प्लस माइनस 25 माइनस ये कितना है 84, 25 माइनस 84, 84 में से 25 गया 9, 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 5, 59, तो माइनस का 59 अपॉन 6, तो x की वैल्यू आई 5 प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 59 बाय 6, और यू में राइट देम एज 5 प्लस रूट ओवर माइनस 59 बाय 6 और 5 माइनस रूट ओवर माइनस 59 बाय 6। यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज आई कि सर स्क्वायर रूट के अंदर में एक नेगेटिव नंबर आया, तो यहां पर मैं आपको एक नोट लिखाता हूं। नोट ये है, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स डू नॉट एग्जिस्ट ऑन नंबर लाइन
सो दे आर कंसिडर्ड एज इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। अब आप बोलोगे सर ये क्या नई बीमारी आ गई, फॉर एग्जाम्पल रूट ओवर माइनस थ्री, रूट ओवर माइनस फाइव, रूट ओवर माइनस 1.2, रूट ओवर माइनस 3.4, रूट ओवर कोई भी माइनस 1.6, कोई भी नेगेटिव रियल, रूट ओवर माइनस रूट ओवर 2, रूट ओवर माइनस 5/4, ठीक है। तो इनको कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स, रूट ओवर माइनस 1, दीज आर नोन एज इमेजिनरी नंबर्स। तो बात ये है बच्चों कि ये इमेजिनरी क्यों होते हैं, why do they not lie on number line। तो एक्चुअली मान लीजिए रूट ओवर माइनस 4, कुछ बच्चों का मन करेगा कि ऐसे कर लो तो ये गलत है। रूट ओवर माइनस 4 को मान लीजिए कि कोई रियल है, अब इसका मतलब एक्स स्क्वायर कितना होना चाहिए, माइनस 4। लेकिन बच्चों फैक्ट्स ये कहते हैं कि मैथमेटिक्स में जब भी किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो दुनिया का कोई भी नंबर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा। तो अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव पॉजिटिव आना चाहिए, नॉट पॉसिबल। अगर ये नंबर नेगेटिव होता तो ये भी वही तो नंबर है, नेगेटिव टू नेगेटिव अगेन पॉजिटिव, यानी किसी भी हाल में एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो ही नहीं सकता। एक्स स्क्वायर कांट बी नेगेटिव इफ एक्स इज रियल, अगर एक्स रियल है तो एक्स स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, इसका मतलब एक्स है ही नहीं तो रूट ओवर माइनस 4 है ही। इस चीज को आप पढ़ोगे 11th क्लास के कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। आप बस इतना सा याद रखना कि ये वाली बेवकूफी मत करना, ठीक है, ये वाली बेवकूफी मत करना। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो आप मान लेना कि वो वहीं पर रहेगा, सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे रूट्स है, इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स बोल दो या नॉन रियल रूट्स बोल दो, यानी रियल रूट्स नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक अलग टाइप की प्रॉब्लम देता हूं जिसमें आपको रूट्स निकाल करके ये बताना है कि वो जो रूट्स है किसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो रियल है या नॉट रियल है। ये सब आपने लिख लिया होगा, अब यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड कमेंट रियल और नॉन रियल टू इट्स रूट्स, टू देयर रूट्स, टू देयर रूट्स। तो इसमें पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, सेकेंड है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, थर्ड है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले इसको पकड़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स ए क्या है यहां पर 1, बी क्या है माइनस 1 और सी क्या है माइनस 1, तो इसके रूट्स हो जाएंगे माइनस बी यानी माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 ए यानी 1 सी यानी माइनस 1 अपॉन 2 ए, 2 इंटू 1, सो एक्स आया 1 प्लस माइनस रूट ओवर 5 बाई 2, यानी रूट्स क्या है, रूट्स आर रियल, क्योंकि रूट 5 एक अच्छा सा नंबर होता है, रियल नंबर होता है, इसको तो हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी किया हुआ है क्लास 9 में। तो 1 प्लस रूट 5 बाई 2 और 1 माइनस रूट 5 बाई 2 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको पकड़ते हैं, यानी क्या कमेंट करेंगे, रूट्स आर रियल। फिर अगली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, यूजिंग धराचार्य फॉर्मूला माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 1, 1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सी 3 ए 1 अपॉन 2 ए, तो एक्स आया 1 प्लस माइनस 1 माइनस 12 रूट ओवर माइनस 11 बाई 2, रूट के अंदर नेगेटिव मतलब रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉन रियल, रूट्स आर इमेजिनरी। अब इसको देखते हैं, एक्स माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, ए क्या है यहां पर 2, बी क्या है 1, सी क्या है 5, तो माइनस 1 प्लस माइनस
रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, टू टू जा फोर, माइनस वन प्लस माइनस एट फाइव जा फोर्टी, रूट ओवर माइनस थर्टी नाइन अपॉन फोर. तो रूट्स आर व्हाट? रूट ओवर माइनस थर्टी नाइन, रूट्स आर इमेजिनरी, मीन्स रूट आर नॉट रियल. इमेजिनरी मतलब नॉट रियल. आया समझ में? यानी ये तो रूट्स है ना नंबर लाइन पर नहीं है. यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी रियल नंबर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता. ठीक है, कोई भी रियल नंबर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता. लेकिन ये दो रूट्स 1 प्लस रूट 5 बाई 2 और 1 माइनस रूट 5 बाई 2 जिनका एग्जिस्टेंस है नंबर लाइन पर, दे विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. ये ऐसे नंबर है जिनका स्क्वायर माइनस वही नंबर माइनस 1 हमेशा 0 होगा. ठीक है, तो ये था बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का शॉर्टकट, या फिर ऐसा बोलो कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर को डायरेक्टली फॉर्मूले में ढालना. तो ये हमने पढ़ा श्रीधराचार्य फॉर्मूला. अब आपके पास तीन मेथड हो गए. आप फैक्टराइजेशन के थ्रू भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर के थ्रू भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, और आप धराचार्य फॉर्मूला लगा करके भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो. तो पते की बात यह है कि अब हम क्या करेंगे. इस चैप्टर में आपको सबसे पहले मैंने यह बताया था कि इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्या होगा. इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक पहेली, मतलब एक पहेली जिसके दो सॉल्यूशंस होंगे. अब वो पहेली या तो डायरेक्ट दे दी जाएगी या लैंग्वेज बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में दी जाएगी. तो वर्ड प्रॉब्लम्स जब हम करेंगे तो उसमें हमें पहेली बनानी होगी, फिर कोई भी मेथड जो आपको सुटेबल लगे आप उसको अप्लाई करो और उस पहेली को सॉल्व करो. तो नाउ विल डिस्कस वर्ड प्रॉब्लम्स जिससे कि बच्चे डरते हैं, पर मुझे जहां तक उम्मीद है पहले वाले चैप्टर यानी लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स में जो आप पढ़े थे उसके हिसाब से अब आप वर्ड प्रॉब्लम से नहीं डरोगे, क्योंकि वहां पर हमने कई सारी अलग अलग टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स को डील किया और सीखा कि किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स को डील किया जाता है. सो हियर आई वुड लाइक टू डिस्कस सम वर्ड प्रॉब्लम्स, some good word problems based on quadratic equations. While solving the question, don't think कि ये quadratic equation का ही problem है. ये common problem है, ऐसे आपको सोचना है जो भी problem हम लोग अभी करेंगे और उसको हमें solve करना है. ये आपकी sheet है, sheet में exercise 3 में कुछ questions हैं, उनको मैं कर दे रहा हूँ. Question number 1 हम लोग देखते हैं, ये basically exercise 3 का question number 11 है. क्वेश्चन है और टू डिजिट नंबर में ये बता देता हूं, जगह सफिशिएंट मिलेगी. तो क्वेश्चन है, क्या लिख देता हूं मैं वर्ड प्रॉब्लम्स. क्वेश्चन नंबर 1, और टू डिजिट नंबर आप भी लिख लेना, और जो कॉन्फिडेंट है वो पहले ही प्रॉब्लम में वीडियो पॉज करके सॉल्व करना, और जो कॉन्फिडेंट नहीं है एटलीस्ट दो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखेंगे, फिर थर्ड प्रॉब्लम से वीडियो पोस्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे. अ टू डिजिट नंबर कंटेंस, अ टू डिजिट नंबर कंटेंस द स्मॉलर ऑफ टू डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स is 40 and the difference between the digits is 3. Find the number. Problem आपके सामने लिखी हुई है, आप भी लिख लेना क्योंकि आप मुझे पता है नोट्स बना करके तो पढ़ते ही हैं.
तो एक टू डिजिट नंबर कंटेन्स स्मॉलर ऑफ टू डिजिट्स, मतलब पूछा है फाइंड द नंबर, तो नंबर क्या है, नंबर है x पर। उसने क्या कहा, अ टू डिजिट नंबर कंटेन्स स्मॉलर ऑफ द टू डिजिट्स, इन दोनों में जो स्मॉलर डिजिट है वो यूनिट प्लेस पर है। यूनिट प्लेस पर मतलब क्या, y इज लेसर देन x हुआ कि नहीं हुआ। अब वो बोला कि द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 40, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x into y is equal to 40, इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, एंड द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इज 3। अब बच्चों छोटी कौन है, ये छोटी है, ये डिजिट स्मॉलर है, तो डिफरेंस x माइनस y कितना हो गया, 3। फाइंड द नंबर। सो दो वेरिएबल दो इक्वेशन, बेसिक मैथमेटिक्स, सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहां लीनियर इक्वेशंस तो है नहीं, तो बच्चों लीनियर इक्वेशंस नहीं होती हैं, ध्यान से सुनना, जब दो इक्वेशन हो दो वेरिएबल हो तो सब्स्टिट्यूशन ही हमारे काम आता है। तो किसी एक इक्वेशन से या तो y यहां से उठा लो, y इज इक्वल टू 40 बाई एक्स यहां से उठा लो, या यहां से y इक्वल टू x माइनस 3 उठा लो, आपकी चॉइस है। तो मैंने y इक्वल टू यानी फ्रॉम 1 y इज इक्वल टू 40 बाई एक्स पुट इट इनटू, अगर आप यहां से y इक्वल टू x माइनस 3 उठाते तो इसमें रखते y की जगह, तो y इक्वल टू 40 बाई एक्स रखना है किसमें, 2 में, तो x माइनस 40 बाई एक्स इज इक्वल टू 3, व्हाट डू आई गेट, x स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल टू 3x, सो इट इज x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। नाउ आई नीड टू सॉल्व दिस x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40 इक्वल टू 0। अब यहां पर फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हो, धराचार्य भी लगा सकते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी लगा सकते हो, लेकिन बच्चों जब घी सीधी उंगली से निकल जाए तो टेढ़ी उंगली नहीं करना है, ठीक है। तो 40 यहां कोएफिशिएंट 1, 40 के ऐसे दो टुकड़े जिनका डिफरेंस 3 हो, 8 एंड 5, बड़े टुकड़े पर ट्रिक आपको पढ़ाई हुई है, छोटे टुकड़े पर जो भी साइन रखेंगे पूछ करके रखेंगे, माइनस 40 चाहिए प्लस, x की वैल्यू आई 8 और माइनस 5। जिनको ये शॉर्टकट पसंद नहीं आता है वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, x स्क्वायर माइनस 3x, 3 को स्प्लिट कैसे करना है, वी हैव डिसाइडेड इट, 8 माइनस 5 माइनस 40 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5x माइनस 40 इक्वल टू 0, x इंटू x माइनस 8 प्लस 5 इंटू x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, so it becomes x minus 8 into x plus 5 equal to 0, this implies x is equal to minus 5 or 8। तो यानी मैंने क्या किया, ये सारे स्टेप्स को मैं स्किप कर गया, डायरेक्ट ये लिख दिया, टाइम बचाया। अब बच्चों क्या है ना कि टू डिजिट नंबर में ये एक्सेप्टेबल नहीं है, माइनस 5 इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो इसका मतलब x क्या आ गया 8, तो y क्या होगा, कोई भी एक इक्वेशन को पकड़ लो, इसको या इसको, अगर 8 है तो 8 5 जा 40, अगर x 8 है तो 8 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 3 आ जाए 5, तो y कितना हो गया 5, ठीक है। तो यानी कि बच्चों टू डिजिट नंबर हमने ढूंढ लिया, वो टू डिजिट नंबर है, द टू डिजिट नंबर इज 85, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स 40, स्मॉलर डिजिट इज एट द यूनिट प्लेस एंड द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स इज 3, एवरीथिंग हैज बीन, everything is satisfied, so this is the answer। आप यहां पर धराचार्य भी लगा सकते थे, माइनस बी यानी x is equal to माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 40 यानी प्लस का 160 अपॉन 2a x is equal to 3 प्लस माइनस 169 13 बाई 2 13 प्लस 3 16 बाई 2 8 3 माइनस 30 माइनस 10 बाई 2 माइनस 5 आ गया ना 8 और माइनस 5। आप धराचार्य भी लगा सकते थे, आप आजाद भारत के निवासी हो, यू हैव द फ्रीडम ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय एनी मेथड, इट इज अप टू यू, हो गया ओके। अगली वर्ड प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं,
अभी मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, मेरा मोटिव ये है या इंटेंशन बोल लो, ये है कि बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम्स को लेकर के जो फोबिया होता है उसको बाहर निकालना और ये देखना कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स को डील किया जाता है। अगली प्रॉब्लम है, 2 years ago a man's age was 3 times the square of his son's age. In three years' time, his age will be 4 times his son's age. Find their present ages. एक्चुअली होता क्या है बच्चों, इन प्रॉब्लम्स में ये जो एज प्रॉब्लम्स होती हैं, एज बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, इनमें आप ना कहीं गड़बड़ क्या करते हो। अगर आप 3 साल पहले जा रहे हो तो जितने भी लोग हैं सबकी एज -3 होगी, 3 साल बाद जा रहे हो प्रेजेंट एज के तो जितने भी कैंडिडेट होंगे क्वेश्चन में जो मेंशन है सबकी एज 3 साल पहले -3, 3 साल बाद +3। 2 years ago a man's age was 3 times the square of his son's age. ये 3 साल पहले की कहानी है। In 3 years' time, अभी 3 साल बाद की कहानी है। तो ये भी प्रेजेंट के साथ मेंशन है और ये भी प्रेजेंट के रेस्पेक्ट में ही मेंशन है। In 3 years' time, his मतलब सब्जेक्ट कौन है? Man. His age will be 4 times his son's age. Find their present ages. तो क्या पूछा है? Their present ages. तो let present ages of man x years, of son y years. अभी मत बोलना कि सर 2 variables कैसे आ गया। अल्टीमेटली जब आप इक्वेशन बनाओगे फाइनली तो वो क्वाड्रेटिक ही बनेगी। तो आप ये मत सोचना कि सर ये लीनियर इक्वेशन है तो 2 variable का क्वेश्चन। वेरिएबल कहीं भी 2 आ गए तो डजंट मीन कि वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ही क्वेश्चन हो। 2 variable मतलब इक्वेशन इन 2 variable, ठीक है। 2 years ago, अब जैसे जैसे बोलते जाए वैसे वैसे करते जाओ। 2 years ago मेन जो होगा वो कितने साल का होगा? x-2। उसका सन कितने साल का होगा? y-2। 2 years ago a man's age was, यानी इक्वल टू, क्वेश्चन जैसा बोलता जाए। वर्ड प्रॉब्लम की यही सुंदर बात है, यही एक अच्छी चीज है कि जैसे जैसे लाइन बोलती जा रही है वैसे वैसे इक्वेशंस बनती जाती हैं, फॉर्म होती जाती हैं। 2 years ago a man's age was 3 times the square of his son's age. इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको हम लोग मैनिपुलेट भी कर लेंगे, यानी मैनिपुलेट करने का मतलब सिस्टमेटिकली। उसके बाद 3 years' time His age मतलब x+3 men की age after 3 years, his age will be मतलब equal to 4 times his son's age. son की age क्या हो जाएगी? y+3 present age. 3 साल पहले अगर जाना है तो भी present के respect में जाना है, 3 साल बाद जाना है तो भी present के respect में जाना है। क्योंकि बच्चों फ्यूचर एग्जिस्ट करता है इफ प्रेजेंट एग्जिस्ट। मैं आपको बहुत अच्छी वाली बात बता रहा हूं, फ्यूचर एग्जिस्ट इफ प्रेजेंट एग्जिस्ट एंड पास्ट एग्जिस्ट इफ प्रेजेंट एग्जिस्ट। अगर प्रेजेंट नहीं है तो पास्ट भी नहीं है और फ्यूचर भी नहीं है, क्योंकि पास्ट प्रेजेंट के बेसिस पर ही डिफाइन हुआ है। दिस इज प्रेजेंट, अब तक जो पढ़ाया दैट इज पास्ट, अब जो पढ़ा हुआ दैट इज फ्यूचर। तो जब भी 2 years ago मतलब प्रेजेंट के रेस्पेक्ट में बात करनी है, 2 years in time या after 2 years मतलब present के respect में बात करनी है। तो ये equation number, अब हमें x और y ढूंढना है, their present ages। तो यहां से देखो y उठा लूंगा, यहां से y उठाना आसान है, या यहां से x भी उठा सकता हूं, मेरी मर्जी। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से y ना उठा करके यहां से x उठा रहा हूं।
तो फ्रॉम वन एक्स क्या है, एक्स आया टू प्लस थ्री इंटू वाई माइनस टू का होल स्क्वायर, मेरी मर्जी है। तो सर आपकी मर्जी है तो हमें भी बता दो कि आपने ऐसा क्यों किया। बच्चों मुझे, मैं अगर यहां से y उठाता ना तो देखो क्या आता, x प्लस थ्री बाई फोर माइनस थ्री, तो अच्छा अच्छा नहीं आता। अच्छा अच्छा तो क्या मतलब, थोड़ा सा मजा नहीं आता। y क्या आता, x माइनस नाइन बाई फोर, मतलब y क्या था, x माइनस नाइन बाई फोर। तो मैं इसको जब रखता तो मुझे अच्छा नहीं लगता, हालांकि क्वेश्चन तो सॉल्व होता, लेकिन यहां x क्या आ गया, यहां से x उठाया टू प्लस फ्रॉम वन x is equal to 2 plus 3 times of y minus 2 whole square. Put this in equation number 2. Why? Because you have got it from equation number 1. So 2 में डालो. किसकी जगह? x की जगह. x की जगह क्या डालूं? 2 plus 3 into y minus 2 whole square. डाल दे x की जगह plus 3. 4 into y plus 3. 2 plus 3 into y square minus 4y plus 4 plus this is 3 is equal to 4y plus, ये आ गया 2 plus 3y square minus 12y plus 12 plus 3 is equal to 4y plus 12. Now arrange the equation, 3y square it is done minus 12y minus 4y that is minus 16y, it is done. 2 and 12, 14 plus 3, 17 minus 12 plus ka 5 is equal to 0. Now, 3 5s are 15. 15 ke aise do tukde jinka sum 16 ho. 15 and 1. 1, 3, 5 ka tukde plus 5 ka 5 and 1. Cross products ka sum minus 16 aana chahiye. 1 aur 15, correct. Plus 1 plus 15, correct. To, nahi minus 16 aana chahiye na. तो माइनस फाइव माइनस वन, यानी इधर इनका प्रोडक्ट फाइव आ रहा है, एकदम करेक्ट है। और माइनस वन माइनस फिफ्टीन माइनस सिक्सटीन, तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे वाई माइनस फाइव इंटू थ्री वाई माइनस वन। ये ट्रिक जिसको रास नहीं आ रही है बच्चों, वो फोन पे पूछ सकता है या आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू भी जा सकते हैं। तो वाई माइनस फाइव इंटू थ्री वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो वाई इज इक्वल टू फाइव और वाई इज इक्वल टू वन बाय। अगर y is equal to 5 है, if क्वेश्चन कब खत्म होगा, जब x और y दोनों मिले। अगर y is equal to 5 है तो यहां से आप निकाल लो x क्या हो जाएगा, ये रहा। तो x is equal to 2 plus 3 y मतलब 5 minus 2 whole square, 2 plus 3, 3 का स्क्वायर 9, 27 plus 2 29। तो फादर से कितनी आ गई 29, सन से 5। चेक कर लो सर, अगर मेन से 3 टाइम्स 2 इयर्स है 27 3, तो ये 2 इयर्स है 27 और ये 3। मेन से वाज 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ हिज सन से स्क्वायर 9, 3 टाइम्स आ गया। ऐसे ही आप 1/3 से भी चेक कर सकते हो, लेकिन बेसिकली इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है क्योंकि एज पूरी पूरी नहीं है, तो जो अच्छा सा होता है उसी को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कभी कभी आपसे ये पूछा गया कि कितने टाइम पर ऐसा हुआ होगा, और टाइम की वैल्यू यानी टी की वैल्यू माइनस फाइव और थ्री सेकेंड आए, तो आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। ऐसे ही एज, हालांकि 1/3 ईयर्स होता है मतलब 4 मंथ होता है, लेकिन आप जब इसे चेक करोगे तो शायद वो ना बैठे। तो और अगर पिताजी 1/3 मंथ के हैं, वाई किसकी एज है, दिमाग लगाना सर, ये किसकी एज है, वाई जो है सन की एज है, ठीक है ठीक है। तो 1/3 इयर्स का भी सन हो सकता है, 1/3 इयर्स मतलब 4 मंथ। तो चेक कर लेते हैं, इफ वाई इज इक्वल टू 1/3, इफ वाई इज इक्वल टू 1/3 तो एक्स क्या आएगा देखते हैं, 2 प्लस 3 1 by 3 minus 2 whole square। तो क्या होगा बच्चों, अगर 4 महीने का बच्चा रखोगे तो 2 साल पहले उसकी एज एनी तो पैदा ही नहीं हुआ था, नेगेटिव में आ जाएगी ना, तो नॉट एक्सेप्टेड, यानी कि इट इज नॉट एक्सेप्टेड। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर प्रेजेंट एज 4 महीने लेते हो तो ये 2 साल पहले वाला केस आप कैसे मैच करोगे। तो यानी कि जब सॉल्यूशंस आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
उनको आप हमेशा वेरीफाई करेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन एक्सेप्टेड है और कौन सा नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या है, प्रेजेंट देयर प्रेजेंट एज इज, सन की 5 इयर्स और पिताजी की 29 इयर्स। ठीक है, इस तरीके से ये दूसरी प्रॉब्लम होने वाली। अब आगे बढ़ते हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम्स आसान होती हैं, बस इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप वर्ड प्रॉब्लम से डरते हो या उनको सॉल्व करने की हिम्मत करते हो। एक अगली प्रॉब्लम है, अ टैंक इज ए मजेदार क्वेश्चन है, अ टैंक इज फिल्ड बाय, अ टैंक इज फिल्ड बाय 3 पाइप्स। इस क्वेश्चन में आपको कुछ सीखने को मिलेगा, 3 पाइप्स विद यूनिफॉर्म फ्लो। प्रॉब्लम लिखते जाओ आप भी, द फर्स्ट 2 पाइप्स, और ध्यान से पढ़ना, इमेजिन करते हुए चलना, टैंक को इमेजिन करो, पाइप्स को इमेजिन करो, द फर्स्ट 2 पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, फर्स्ट 2 पाइप्स ऑपरेटिंग simultaneously fill the tank in the same time during which the tank is filled by the third pipe alone. The second pipe fills the tank 5 hours, मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, faster than the first pipe and 4 hours slower than the third pipe. Find the time taken by, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, find the time taken by the first pipe alone to fill the tank। पहली बात तो ये है कि आप पहले वीडियो को पॉज करें, अच्छा क्वेश्चन आ गया है, फिर क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ करके वर्ड प्रॉब्लम्स में हमेशा ये होता है कि पूछा क्या है, तो पूछा है द फर्स्ट पाइप अलोन टू फिल द टैंक। ठीक है, क्या हो रहा है कि एक टैंक है उसमें 3 पाइप लगे हुए हैं, कभी किसी को चालू किया जा रहा है, कभी 2 एक साथ भर रहे हैं, कभी कंपेयर किया जा रहा है कि एक पाइप जो भरता है दूसरे पाइप को भरने में जितना टाइम लगता है उसे कितना टाइम लग रहा है, कुल मिलाकर के 3 नल से सप्लाई आ रही है और तीनों नल सेपरेटली कितने कितने टाइम में भरते हैं ये पूछा तो नहीं, लेकिन उनके बीच में कुछ कंपैरिजन है, जैसे कि एक मोटे डायमीटर वाला नल होगा, तेज प्रेशर वाला टैंक को जल्दी भर देता होगा, एक का कंपैरेटिवली कम डायमीटर होगा नल का, तो उसमें से जो पाइप निकलता होगा या जो पानी निकलता होगा तो वो थोड़ा देरी से टैंक को भरता होगा, फिर तीसरा पाइप, इस तरीके से आपको कंपैरिजन दिया होगा। अब जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं बच्चों, आपको मैं बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस को ट्रीट कैसे करना है, टैंक का क्वेश्चन हो, मोटर का क्वेश्चन हो, आदमी यानी मैन वुमेन वर्क का क्वेश्चन हो, जहां पर भी बात एफिशिएंसी की आती है, एफिशिएंसी मतलब दक्षता, मान लीजिए आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला जिसमें आपको कार्टन बनाने हैं, कार्टन मतलब एक पर्टिकुलर साइज का कार्टन जिसमें अपन पैकिंग करते हैं,
और आपको 1 लेग कार्टन का असाइनमेंट मिला किसी कंपनी के थ्रू, आप कॉन्ट्रेक्टर हैं, तो जब आप बंदों को हायर करोगे तो आप एक्सपीरियंस्ड बंदों को हायर करोगे और ये जानोगे कि जो लेबर है वो कितने कार्टन एक दिन में बना सकती है, कोशिश करोगे। तो मान लीजिए 3 लेबर है, ठीक है, 3 टाइप की लेबर है, एक लेबर जो कि एक दिन में 50 कार्टन बनाती है, एक लेबर जो 40 कार्टन बनाती है, एक लेबर जो 45 कार्टन बनाती है, तो इनको बोलते हैं एफिशिएंसी, वर्क डन बाय। यानी यहां पर एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आप एक शॉप पे गए, वहां आपसे कहा गया, आपने कहा कि भैया मुझे मोटर चाहिए, पानी की मोटर जो पंप आता है ना, जिससे अपन पानी कहीं से लेकर के फिर स्पीड से अपन टैंक को भरते हैं, मैक्सिमम के घरों में वही होता है जिसको टिल्लू पंप कहा करते हैं, आपने सुना कि नहीं सुना मुझे नहीं पता, कई के घर में बोर होती है। आपसे आप शॉप पे गए, आपने कहा कि मुझे टिल्लू पंप चाहिए, पंप चाहिए मतलब, और उसने कहा कि तीनों पंप की कॉस्ट 5000 है, लेकिन एक जो है वो 10 लीटर को 1 घंटे में भर देता है, सॉरी 100 लीटर को 1 घंटे में भर देता है, एक 100 लीटर को आधे घंटे में भर देता है और एक 100 लीटर को 10 मिनट में भर देता है, तो आप किसको लोगे, ठीक है ना। तो ये उनकी एफिशिएंसी है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए एफिशिएंसी से करोगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अ टैंक इज फिल्ड बाय 3 पाइप्स, फिल करना विद यूनिफॉर्म फ्लो, द फर्स्ट 2 पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली फिल द टैंक इन द सेम टाइम ड्यूरिंग विच द टैंक इज फिल्ड बाय द 3rd पाइप ओनली। तीसरा पाइप अकेला लगा करके जितनी देर में आपका टैंक भर जाता है उतने टाइम में दोनों पाइप को एक साथ लगाया जाए, तीसरे को बंद कर दिया जाए। आई रिपीट, तीसरा पाइप टैंक को जितने टाइम में भरता है उतने टाइम में अगर तीसरे पाइप को बंद कर दिया जाए और दोनों पाइप फर्स्ट और सेकंड को एक साथ चलाया जाए तो टैंक उतने ही टाइम में भर जाएगा। ये पहली लाइन का मतलब है, मतलब फुल स्टॉप जो हमने पढ़ा। द सेकेंड पाइप फिल्स द टैंक 5 आवर्स फास्टर देन द फर्स्ट पाइप, मतलब जो सेकेंड पाइप है वो फिल करता है टैंक को 5 आवर्स फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। यानी कि अगर फर्स्ट पाइप टेक्स 5 आवर्स या 6 आवर्स देन सेकेंड पाइप विल टेक 1 आवर, 5 आवर्स फास्टर है ना, एंड 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द फर्स्ट पाइप अलोन टू फिल द टैंक। तो यहां बात हो रही बच्चों टाइम टेकन, लेट ये हमसे पूछा है, अभी सारी मिस्ट्री रिजॉल्व हो जाएगी। लेट टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप, ये एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी मतलब होता है कि एक बंदे को किसी काम को करने में कितना टाइम लगता है, या फिर अगर मान लो एक बंदा 50 कार्टन एक दिन में बनाता है, 50 कार्टन एक दिन में बनाता है तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो गई, 50 कार्टन पर डे। ऐसे ही यहां पर हम एफिशिएंसी को पर आवर में डिफाइन करेंगे कि हर एक पाइप 1 घंटे में कितना, क्योंकि उससे हमें समझ में आता है। एफिशिएंसी मतलब वर्क डन पर आवर, एफिशिएंसी मतलब वर्क डन पर डे। तो यहां लेट द टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप टू फिल द टैंक सेपरेटली या अलोन कितना हो गया, एक्स आवर्स, ये पूछा था है ना। अब चूंकि हमें तीनों के टाइम चाहिए, सबसे पहले यहां पर जो काम करने वाले हैं वो 3 पाइप है, तीनों पाइप की एफिशिएंसी चाहिए, तो ये क्या हो गया 1/x टैंक पर आवर। ये किसकी एफिशिएंसी है, पाइप वन की एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ पाइप वन। ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा एफिशिएंसी निकालेंगे जो भी काम करने वाले हैं। तो पाइप वन की एफिशिएंसी आई कि अगर 10 घंटे में एक टैंक भरा जाता है तो 1 घंटे में 1/10 भरा जाएगा। आई रिपीट, 1 घंटे में, अगर सॉरी 10 घंटे में एक टैंक भरा जाता है, 10 घंटे में एक टैंक भरा जाता है, एक टैंक 10 घंटे में भरा तो उसका 1/10 हिस्सा 1 घंटे में भरा जाएगा, तो एफिशिएंसी 1/x टैंक पर आवर। टाइम टेकन बाय सेकेंड पाइप टू फिल द टैंक, टाइम टेकन बाय थर्ड पाइप टू फिल द टैंक। अब यहां आपको दिया हुआ है द सेकेंड पाइप फिल्स द टैंक 5 आवर्स फास्टर देन द फर्स्ट पाइप, फास्टर देन द फर्स्ट पाइप, फर्स्ट पाइप x आवर ले रहा है तो सेकेंड पाइप x माइनस 5 आवर्स ले रहा है, तो एफिशिएंसी क्या हो गई 1/x-5 टैंक पर आवर।
अपने को एफिशिएंसी से मतलब है, अगर ये टैंक को भरने में 50 घंटे ले रहा है या 6 घंटे ले रहा है तो 1/6 टैंक को भरने में 1 घंटा। ठीक है, सोचना इस बात को, नहीं समझ में आ रहा है तो मत बढ़ना आगे। फिर आगे बोल रहा है, एंड द सेकेंड पाइप फिल्स द टैंक 5 hours फास्टर देन द फर्स्ट पाइप, ठीक है, एंड 4 hours स्लोवर देन द थर्ड पाइप। अब यहां पर बच्चों सेकेंड पाइप का कंपेरिजन, ठीक है, 4 hours स्लोवर देन द स्लोवर देन थर्ड पाइप, मतलब सेकेंड और थर्ड में तो ये जो है ना इससे स्लो है। सेकेंड पाइप फिल्स द टैंक 4 hours स्लोवर देन द थर्ड पाइप। ध्यान लगाना, ये जितने टाइम में भरेगा उससे ये स्लोवर है, तो प्लस 4 ज्यादा लेगा ना, यानी कि अगर ये y है तो ये y प्लस 4 है। कहने का मतलब यहां जितना भी टाइम है उससे प्लस 4 ये है ना, तो ये क्या होगा x-9, ताकि प्लस 4 करेंगे तो x माइनस, मैं यहां पर y के नहीं ले रहा हूं, जितने कम वेरिएबल उतना अच्छा। तो x/9 है, उसका एफिशिएंसी क्या है सेकंड पाइप की, 1/x/9 टैंक पर। इतने घंटे में एक टैंक भरता है तो एक घंटे में कितना भरेगा, 1/x-9, ये एफिशिएंसी। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एफिशिएंसी निकालेंगे, काम करने वालों की एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब वर्क डन पर आवर। तो यहां एक घंटे में ये 1/x टैंक को भरता है, ये 1/x-5 को भरता है, ये 1/x-9 को फिल करता है। एक बार वापस से चेक कर लो, सेकंड पाइप 4 hours लोअर है थर्ड से, तो थर्ड जितना टाइम ले रहा है उससे प्लस 4 सेकंड लेगा। सेकंड वाला फर्स्ट से फास्टर है 5 hours, ये फास्टर है, मतलब इससे 5 घंटे कम लेगा, एकदम करेक्ट है। अब हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं, पहली वाली लाइन अब काम आएगी, ये वाली जो है, द फर्स्ट टू पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली फिल द टैंक इन द सेम टाइम ड्यूरिंग व्हिच द टैंक इज फिल्ड बाय द थर्ड। यानी बच्चों टाइम टेकन बाय थर्ड पाइप, ध्यान से समझना, इज इक्वल टू फिल द टैंक, टाइम टेकन बाय फर्स्ट एंड सेकेंड टू फिल द टैंक टूगेदर। ठीक है, ये दोनों टाइम इक्वल है, तो टाइम टेकन बाय थर्ड पाइप टू फिल द टैंक कितना है, टाइम टेकन बाय थर्ड पाइप टू फिल द टैंक इज x-9। जितनी देर में ये टैंक को फिल कर देते हैं तो ये x-9 hours। अब फर्स्ट और सेकंड पाइप को एक साथ चालू कर दिया, तो फर्स्ट की एफिशिएंसी क्या है, तो दोनों को एक साथ छोड़ा हुआ है, इतने घंटे थर्ड पाइप को लगते हैं, फर्स्ट पाइप कितने घंटे के लिए चला, x-9 hours के लिए चला, और सेकंड पाइप भी कितने देर के लिए चला, x-9 hours के लिए चला। फर्स्ट टैंक की क्या खास बात है, 1/x टैंक पर आवर फिल करता है, 1/x टैंक पर आवर x-9 hours के लिए चलेगा, तो क्या हो गया, इतना पानी तो फर्स्ट पाइप ने भर दिया। सेकंड पाइप एक घंटे में x-5 टैंक को भरता है, तो x-9 इतना फिल कर देगा। तो हमारे पास सिचुएशन क्या आई, x-9 is equal to x-9 upon x plus x-9 upon x-5। ध्यान से समझना, ये यहां पर एक सेकंड मैंने गड़बड़ कर दिया, वापस से देखना, आपको बोला हुआ कि जितने टाइम में ये रहा, द फर्स्ट टू पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली फिल द टैंक इन द सेम टाइम ड्यूरिंग विच द टैंक इज फिल्ड बाय द थर्ड पाइप। तो दोनों जब एक साथ काम करेंगे तो दोनों का क्या आया, दोनों कितना टाइम लेंगे, ठीक है, तो एक एक घंटे में, तो यहां पर अपन ये भी बोल सकते हैं कि इसकी एफिशिएंसी और इन दोनों की मिलाकर के एफिशिएंसी सेम है। वो जो मैंने पहले डिस्कस किया था कुछ गलत तो नहीं था, लेकिन समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग था। तो यानी ये मैं बोल सकता हूं कि एफिशिएंसी ऑफ थर्ड पाइप इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टू फिल द टैंक सेपरेटली। यानी एक घंटे में ये क्या हो जाएगा, मतलब एक घंटे में कितना टैंक फिल होगा, 1/x-9, और ये एक घंटे में कितना टैंक फिल करेंगे, पहला तो करेगा 1/x, समझना बात को, और दूसरा क्या करेगा, 1/x-5।
पहला एक घंटे में कितना भर देगा, क्योंकि देखो दो पाइप इधर है एक पाइप इधर है, ये ले रहा है x माइनस 9 आवर्स, ये दोनों अलग अलग टाइम लेते हैं लेकिन दोनों को एक साथ चलेगा। तो अब अपने को क्या पता, यानी ये भी x माइनस 9 चला, ये भी x माइनस 9 चला, तो कहने का मतलब इसने कितना टाइम भरा, क्योंकि दोनों को एक साथ चला, तो एक घंटे में जितना पानी डाल रहे हैं, एक घंटे में जितना पानी डाल रहे हैं, तो दोनों का एक घंटे का पानी और इसका एक घंटे का पानी बराबर हुआ। इसीलिए एफिशिएंसी के थ्रू उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। यानी टाइम टेकन बाय थर्ड पाइप इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, इसका मतलब यह हुआ कि एक घंटे में जितना भरेगा उतना ही एक घंटे में फर्स्ट पाइप और सेकंड पाइप मिलकर के भरेंगे। तो एक घंटे में 1 बाय एक्स, एक घंटे में 1 बाय एक्स माइनस 5। सो वी नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन। ठीक है, ये बच्चों आपको मैंने बोला था ना कि इस चैप्टर से क्या डिडक्ट किया है, ये ऐसी टाइप की प्रॉब्लम को डिडक्ट किया, मतलब ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स जिनसे ऐसी इक्वेशंस आएंगी, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएंगी, इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो ये नॉट इन द सिलेबस है, लेकिन मैं तो कराऊंगा, आपको पता है मेरी आदत, क्योंकि बच्चों इसको छोड़ने से कोई फायदा ही नहीं है हमारा, हमारी स्किल और कमजोर होगी। जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आ ही गया और इसको सॉल्व करना नहीं है लेकिन इसको बनाना तो सिलेबस में है, तो ना बोर्ड वाले बहुत इंटेलिजेंट है, उन लोगों ने सिर्फ शो ऑफ करने के लिए डिडक्शन किया है, इस डिडक्शन का कोई मतलब नहीं है, यूजलेस डिडक्शन है। अगर आप ये सोचो कि इस डिडक्शन से फायदा है तो बच्चों आपको कोई फायदा नहीं है, इट इज जस्ट अ शो ऑफ पब्लिक को दिखाने के लिए कि हम आपके बारे में सोच रहे हैं, कोविड के कारण हमने जो लॉकडाउन लगाया वगैरह वगैरह सही किया गवर्नमेंट ने, लेकिन इट इज जस्ट शो ऑफ, सिलेबस आपको पूरा पढ़ना चाहिए। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना, तो ये जो चीज थी ना बच्चों यहां तक आपको दोबारा से सोचना है, एफिशिएंसी निकालना ही है तब जाके क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहां पर जो कॉन्सेप्ट छिपा हुआ था वो मैंने आपको बताया, टाइम टेकन बाय थर्ड पाइप टू फिल द टैंक, अगर ऐसे करता तो बच्चों इनका अलग अलग टाइम है, दोनों मिलकर के कितने टाइम में फिल करेंगे, तो वो चीज अपने को कंफ्यूज कर रही थी, तो मैंने इसको ऐसे मैनिपुलेट किया कि एक ये चीज, यानी एक बंदा और ये दो बंदे, ये 10 घंटे में काम खत्म करता है, ये दोनों भी 10 घंटे में काम खत्म करता है, तो ये इसने एक घंटे में जितना काम किया और इन दोनों ने एक घंटे में जितना काम किया, दोनों बराबर है, और एक घंटा क्यों लिया है, क्योंकि सर हम एफिशिएंसी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारा काम है 1/(x-9) इज इक्वल टू 1/(x) प्लस 1/(x-5) को सॉल्व करना, करते हैं सॉल्व। 1/(x-9) x into x-5, x-5 plus x. So 1/(x-9), 2x-5/(x)-5. Cross multiply. x into x-5 is equal to x-9 into 2x-5. तब तक पीछे पड़े रहो इसके जब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आता। This implies x²-5x is equal to 2x²-5x-18x+45. So the equation becomes x²-5x, 2x²-23x+45, 2x²-x², this has been taken, -23 + 5 - 18x + 45. So x²-18x + 45 अब आपके ऊपर है, धराचार्य लगाओ, देखो कितनी अच्छी इक्वेशन है, धराचार्य लगाओ या कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाओ या फैक्टराइजेशन लगाओ, आपकी चॉइस है। इसके ऐसे दो टुकड़े जिनका सम 18 59 बड़े पर माइनस छोटे पर भी माइनस, क्योंकि प्रोडक्ट 45 होना चाहिए, तो x आया 15 और x आया 3, नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि बच्चों किसी टैंक का टाइम x-9 भी था, तो ये नॉट एक्सेप्टेबल। सो x इज इक्वल टू 15 आवर्स, इसका मतलब ये हो गया कि पाइप 1 फिल्स द टैंक इन 15 आवर्स अलोन, वो आपसे बाकी पाइप्स का भी टाइम पूछ सकता था, वो आपके पास है, अब आप निकाल सकते हो, एक था शायद x-5, एक था x-9,
तो फर्स्ट पाइप को लगा 15 घंटे, सेकंड पाइप, फर्स्ट टू पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, तो पूछा क्या था उसने, फर्स्ट पाइप को ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली फिल द टैंक इन सेम टाइम ड्यूरिंग विच द टैंक इज फिल्ड बाय द थर्ड। तो ये यहां से आप निकाल सकते हो, ये आपसे जो पूछा था फिल द टैंक, ठीक है। तो आप सीखिए कि किस तरीके से अच्छी प्रॉब्लम्स को करना है। अब हम अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, लेकिन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कुछ उस क्वेश्चन के बारे में आप सोचना। ये जो प्रोफाइल है किसकी है, फर्स्ट पाइप की। सेकंड पाइप का क्या था वो मैंने यहां लिखा हुआ था, लेकिन एक x माइनस 5 था और एक x माइनस 9 था, तो एक 10 था और एक इसमें से 9 माइनस करो 6। तो यानी थर्ड पाइप जो है ना वो सबसे फास्टर था, तो थर्ड पाइप 6 घंटे में भर देता है। फिर उसके बाद में मतलब आप देख लेना, आपको मजा आएगा क्योंकि मैंने वो मिटा दिया, तो रियलाइज करना बाकी थर्ड पाइप सबसे फास्टर है। देखो फर्स्ट टू पाइप ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली फिल द टैंक इन द सेम टाइम ड्यूरिंग विच द टैंक इज फिल्ड बाय द थर्ड पाइप। तो थर्ड पाइप की स्पीड बहुत ज्यादा है, यानी उसमें पानी बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को इस तरीके से करना है, और ये जो ऐसी प्रॉब्लम्स आती है ना ये सिलेबस से हटा दी गई है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि जो चीज हटा दी गई है उसको मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन बोल करके पढ़ाऊंगा कि भाई ये चीज हटा दी गई है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप इसको अवॉइड ना करें, पढ़ें, कुछ भी ना छोड़ें, सब पढ़ें, उससे आपकी नॉलेज एनहेंस ही होगी। अगला क्वेश्चन है, By increasing the speed of a car, by 10 km per hour, the time of journey, for a distance of, for a distance of 32 km is reduced by, is reduced by 36 minutes. Find the original speed of the car. Find the original speed of the car. ठीक है, यानी बच्चों एक कार है जिसकी ओरिजिनल स्पीड क्या ले लेते हैं, x। लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार बी x किलोमीटर पर आवर। बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द कार बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड मैं कितनी कर दूं, x प्लस 10, ये केस है। द टाइम ऑफ द जर्नी, टाइम ऑफ द जर्नी, तो टाइम ऑफ द जर्नी पहले क्या था, 72 बाय x, पहले स्पीड x थी। द टाइम ऑफ द जर्नी फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर इज रिड्यूस्ड बाय 36 मिनट्स। यानी बच्चों क्या हुआ कि स्पीड अगर ये सब कर दो तो टाइम कितना लगा, 72 अपॉन x प्लस, अगर स्पीड x है तो टाइम कितना लग रहा है, 72 बाय x, है ना। अब इन दोनों टाइम्स में 36 मिनट का फासला है, ये किलोमीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम किसमें होगा, आवर में। तो 36 मिनट्स मतलब 36 बाय 60 आवर्स। बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन आप इस तरीके से करो। अब उसने क्या कहा, बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द कार, हमने देख लिया कि स्पीड एक्स है तो टाइम इतना इतनी है, तो टाइम इतना, दोनों टाइम्स में कंपेरिजन है, तो ये टाइम 36 मिनट्स कम है, यानी 36 बाय 60 मींस 6 से कटा 6 या 12 से 3 जा 12 से 5 जा 3 बाय 5 आवर्स। तो ये वाला टाइम 72 अपॉन x प्लस 10, 72 अपॉन x से कितना कम है, 3 बाय 5 आवर्स कम। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, 72 अपॉन x प्लस 10, 5x एलसीएम लिया, 72 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 72 इंटू 5 हो जाएगा 350, 360, 72 इंटू 5 हो जाएगा 360 माइनस, एक सेकेंड, 72 इंटू 5,
हाँ 360 माइनस 3x, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 360x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 इंटू 360 माइनस 3x, फिर मल्टीप्लाई किया 360x इज इक्वल टू 360x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3600 माइनस 30x। सॉल्व करते हैं, 360x से 360x कैंसिल हो गया, माइनस 3x स्क्वायर इधर आया तो 3x स्क्वायर माइनस प्लस 30x ये उधर गया, माइनस 3600 इज इक्वल टू 0, 3 से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1200 इक्वल टू 0। इसके ऐसे दो टुकड़े जिनका डिफरेंस 10 साफ साफ दिख रहा है, आप जरा चाहे लगा सकते हो, x प्लस 40 बड़े पर प्लस वाला साइन, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 1200 ला रहे हैं, x की वैल्यू माइनस 40 और x की वैल्यू 30, तो क्या लेंगे, नेगेटिव इज नॉट एक्सेप्टेबल, सो यूजुअल स्पीड ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार इज 30 किलोमीटर पर आवर। पता है बच्चों, एक प्रॉब्लम जो मुझसे सॉल्व हो जाती है और एक प्रॉब्लम जो आपसे सॉल्व नहीं होती है, यहां पर दो बातें हैं, पहला मेरा कॉन्फिडेंस, दूसरा चीजों को समझने का मेरा तरीका। आप क्वेश्चन पढ़कर के आपको पता लगाना था कि भाई स्पीड डिस्टेंस और टाइम का क्वेश्चन है, तो आपको हर समय हर केस में स्पीड डिस्टेंस और टाइम के बारे में सोचना है। पहले केस में स्पीड एक्स, डिस्टेंस 72, तो टाइम 72 बाय एक्स, टाइम को टी क्यों नहीं लिया, जितने ज्यादा वेरिएबल होगे उतना ज्यादा इरिटेशन होगा, तो पहले केस में टाइम एक्स, डिस्टेंस 72, स्पीड सॉरी पहले केस में डिस्टेंस 72, स्पीड एक्स, टाइम 72 बाय एक्स, दूसरे केस में डिस्टेंस 72, स्पीड एक्स प्लस 10, टाइम 72 अपॉन एक्स प्लस 10, दोनों टाइम में कंपैरिजन दिया हुआ है, इक्वेशन बन गई, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम को सिलेबस से हटाया गया है जिनमें डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो ये आज हमने वर्ड प्रॉब्लम्स को देखा, तो अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने ये देखा कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तीन मेथड। फिर वर्ड प्रॉब्लम्स पर हमने कमांड करने की कोशिश की कि हाउ शुड वी हैंडल वर्ड प्रॉब्लम्स, ये भी आपने सीखा। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना काफी है, आपका होमवर्क है, मैं एनसीईआरटी आपको होमवर्क में दूंगा, और आपको कोचिंग की जो शीट है उसमें से आपको करना है, अभी चूंकि बच्चों यूट्यूब पर वीडियोस प्राइवेट, मतलब यूट्यूब पर आपको देखना पड़ रहा है क्योंकि वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस है, मैंने बताया था किसी ने हैक कर लिया है, तो बस दो तीन दिन और लगेगा, तो मुझे पता है आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है यूट्यूब पर देखने में, बट इट इज क्वाइट सिंपल। आप थोड़ा सा मतलब कोर अकेडमी के चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाओ, प्लेलिस्ट में आपकी जो प्लेलिस्ट लगती है बच्चों, वो 10th वालों के लिए 10th प्राइवेट है, 9th वालों के लिए 9th प्राइवेट है, इस तरीके से, और जो एनटीएससी वाले हैं उनके लिए एनटीएससी की वीडियोस एनटीएससी प्राइवेट की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इफ यू आर अनेबल टू वॉच एनी वीडियो या फिर कोई भी वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, तो आप हमसे कॉल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बस ये दो तीन दिन की बात है। होमवर्क जो मैं आपको दूंगा वो होमवर्क दूंगा प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन अलोंग विद एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो आपका होमवर्क है कि शीट में जो एक्सरसाइज 4 है, शीट में जो एक्सरसाइज 4 है उसमें आपको, मतलब प्रीवियस ईयर बोर्ड वाली, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 27 से 35 करना है। आई रिपीट, एक्सरसाइज 4 शीट में होमवर्क है आपका, एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 27 टू 35, और आपके लिए 35 वाला क्वेश्चन जो है वो चैलेंजिंग है, 35 तक एक पिकअप वाला क्वेश्चन है, वो आप करके दिखाना, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी बच्चों, आपको होमवर्क समझ में आ गया, मैं आपको एनसीईआरटी में जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं शुरू की एक्सरसाइज में वो आपको करनी है, और होमवर्क एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ में एक्सरसाइज 4 शीट का 27 से लेकर के 35, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहे, 27, 28, 29, 30 और फिर 5, 4 and 5 9 क्वेश्चन बस दिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाय बाय एवरीवन, ठीक है।